जिसका डर था आखिरकार वो हो ही गया। भारत के पूर्वी तट यानी ओडिशा के पुरी में शुक्रवार को फानी तूफान के टकराने से ओडिशा के पूरे तट पर तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी हो रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान हवा की रफ्तार 170 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इससे पहले भुवनेश्वर, गजपति, केंद्रपाड़ा और जगतपुरा संघ इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान समंदर में काफी ऊंची लहरें उठने लगी थी। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सरकारी इंतजामों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 7:30 बजे पुरी में 174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सुबह ये तूफान पुरी से 40 किलोमीटर दूर था। इसी के साथ अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि उड़ीसा तट से टकराने के बाद फानी कमजोर होते होते पश्चिम बंगाल तक पहुंच सकता है, जहां उसकी अधिकतम रफ्तार 115 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि अचानक से मौसम के इस भयानक रूप से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान, झारखंड और केरल में NDRF की कई टीमें लगा दी हैं। इसके अलावा कई राज्यों की NDRF टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से मदद करने को कहा है। हम आपको इस बात से भी रूबरू करा दें कि फानी तूफान की खबर आते ही राज्य सरकार ने 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया। फानी को देखते हुए 34 राहत दलों और 3 तटरक्षक पोतों के राहत कार्य के लिए तैनात किया गया था। आपको बता दें कि फानी तूफान के कारण अब तक 157 ट्रेनें रद्द भी की जा चुकी हैं। वेब 23 न्यूज के लिए वन्ना सेमवाल की रिपोर्ट।